नोनी क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम चाहिए यार। नोनी क्या चाहिए? अभी नहीं नहीं है बाबू, आ जाओ। अभी नहीं लिया थे क्या? ये कुल्फी वाले भैया खड़े हैं और नोनी इसकी कुल्फी खाती है तो चाहिए। नोनी ले लो, चलो वो अंकल आ गए, जाओ वहाँ पे जाओ जाओ लेके आओ, अंकल से जाओ। हाथ मिलेगी ना नहीं? हाफ मिलेगी छोटो? मेरे को नहीं खानी, उसको दे दे, मम्मी को दे दे। अरे मीठा भर इसके अंदर। अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी। नोनी और बाहर आ रही है, देखो बहुत तेज बारिश, बहुत ही तेज बारिश आ रही है। मौसम ठंडा हो गया, लेकिन ये छोनपड़ी, ये मेरी छोनपड़ी, इसका मुंह देखो जरा छोनपड़ी का, ये कैसी है छोनपड़ी? छोनपड़ी तुम्हें छोनपड़ी है ना? या छोनपड़ी भाई छोन कहाँ गया? भाग गया, भाग गया, भाग गया। इधर आओ दोनों, इधर आओ, इधर आओ। क्या मम्मा की सलवार क्यों? नोनी नोनी फट जाएगी। नोनी डंडा लेके आओ, डंडा लेके आओ। गुस्सा आ रहा है, इसे बोल रही है तुम बाहर मत जाओ, तुम अंदर ही बैठो, बारिश में उड़ जाओगी, डूब के तली दाओगी, डूब के। नोनी गई गई, आज नोनी गई। बारिश और तेज होती जा रही है। यहाँ पर हम बना रहे हैं बेसन की पकौड़ियाँ, मतलब आलू की और प्याज की। बारिश का मौसम था इसलिए यहाँ बेसन में मैंने डाला है धनिया कटा हुआ, और साथ में छोटे छोटे प्याज डाली हैं कटी हुई, और इसके साथ में ही इसमें भी मसाले डाल दूंगी, फिर आलू ये बनाएंगी दीदी। बस मैं तैयारी कर रही थी, और बरसात में तो पकौड़ी अच्छी लगती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सूजी डाली है, इस सूजी से ना थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें सूजी भी डाल दूँ। सूजी डाल दी है मैंने यहाँ पर, और इसको बस मिक्स करना है। अब इसमें मसाले डाल देंगे, मसालों में मिर्ची, नमक और धनिया ये सब डाला है, और इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको चला देंगे, मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें जो आप आलू डालने हैं, ये जिस चीज़ की भी पकौड़ी बनानी है। प्याज मैंने छोटे छोटे इसलिए डाली है क्योंकि आलू के साथ में लक्कर की आ जाती है तो टेस्टी लगती है, दोनों का टेस्ट आ जाता है, इसलिए ये डाला हुआ है। पर ये पकौड़ियाँ बन रही हैं, थोड़ी थोड़ी करके दीदी डाल रही हैं उसमें।
पकौड़े खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे तो जो बनाता है ना उसका पेट वैसे ही भर जाता है। मैंने बस यहाँ पे 3 से 4 पकौड़ियाँ खाई थी, इससे ज्यादा नहीं। पता नहीं, मन नहीं कर रहा था। एक तो गर्मी भी होती है, लेकिन बरसात में थोड़ी अच्छी लगती है। तो थोड़ी थोड़ी, मैंने बोला था दीदी बस थोड़ी थोड़ी सी बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा खाने पे भी मन नहीं करता है और फिर खाना नहीं खाया जाता है, इसलिए। आप लोग बोलेंगे फिर से दुकान पे आ गई, मना करते करते भी। तो मैं दुकान से दवाई लेने के लिए आई थी, और सुबह से मैं बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। कल भी नहीं आई थी ना उन्होंने, कल भी नहीं आई थी, 5 मिनट के लिए आई थी, चली गई थी। और दुकान के बराबर में ही केमिस्ट है, तो मेरे को दवाई लेनी थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो रखी थी। तो इन्होंने बोला कि घूम लो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट घूम जाओ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ। मैं ठीक हूँ, आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि ठीक है सब कुछ। एक्चुअली HB को लेके मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन तो मेरा बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम दूसरी है, प्रॉब्लम ये है कि जो क्या था नोनो, मैं अल्ट्रासाउंड एक्चुअली भूल आई हूँ, जबकि मेरे पेपर सारे पास में थे। मैं अल्ट्रासाउंड घर पे ही भूल आई हूँ, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेनी थी मेरे को। प्रॉब्लम ये है कि जो कॉर्ड होती है, जो नाल होती है, वो बेबी के गले में है। अल्ट्रासाउंड में ये शो किया है, बस उसी को लेकर के थोड़ा सा डर गई थी मैं। लेकिन बहुत घर में बात हुई, डॉक्टर ने भी बोला है कि बस रूटीन चेकअप उसके लिए कराओ, क्योंकि ना इससे ये मेरे को तो बतानी है। देखो फर्स्ट टाइम है प्रेगनेंसी का, सब जो बड़े लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि आराम करो। अभी डॉक्टर ने भी यही बोला है कि बस रेस्ट करो, बेबी की मूवमेंट होनी जरूरी है, बेबी की मूवमेंट अच्छे से होती रहे उसके लिए प्रे करो और वीकली चेकअप कराते रहो। क्योंकि जो अभी जो कॉर्ड है वो सिर्फ अभी उसने बेबी के नेक में 1 राउंड लिया हुआ है सिर्फ, एक ही बार है वो अभी। तो कई बार चांसेस होते हैं मूव करता है बेबी तो निकल जाता है, कई बार चांसेस होते हैं कि वो बैठ जाता है। तो अभी बस ये मुझे थोड़ी टेंशन लग रही थी, क्योंकि उस दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि इससे ऑपरेशन के चांसेस भी रहते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और यही मेन प्रॉब्लम थी जो मैं उस दिन नहीं बता पा रही थी। और अल्ट्रासाउंड होता तो सीरियसली मैं अभी दिखाती घर पे, अगर देखती हूँ, अगर मैं दिखा पाई तो। जैसे कल भी फिर मुझे दोबारा डॉक्टर के जाना है, क्योंकि मेरे को पेन हो रहा है इस वजह से। बहुत ज़्यादा मैं बैठ नहीं रही, प्रॉपर मैंने रेस्ट किया है, 2 दिन तो मैंने बिल्कुल काम नहीं किया है। एक तो BP बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो काम हो ही नहीं पा रहा है, दीदी कर रही हैं, और प्रॉपर आराम कर रही हूँ। अब कल जो डॉक्टर बोलेंगी, कल क्या रहता है उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी। खाली बैठे बैठे लेटे लेटे भी ना मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। वैसे तो मैं ऐसी वीडियोज कुछ नहीं देख रही हूँ कि जिससे मेरे मन में कुछ आए। बस ठीक चल रहा है अभी, खाना पीना मैं अच्छे से खा रही हूँ। और HB का तो बढ़ जाएगा 15 दिन में, 15 से 20 दिन में बढ़ जाएगा, अगर प्रॉपर खाएंगे बस, टेंशन ना हो तो। बस यही है कि जो बेबी है वो अच्छे से मूव करे, और अच्छे से मूव करने के बाद उस चीज़ से बाहर निकल जाए। वैसे एक दूसरे डॉक्टर हैं जो जिनकी मैं प्रॉपर वीडियोस में देखती हूँ, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से समझाया कि जो नाल होती है वो किस चीज़ की, क्या बताया था, उससे बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए तो। क्योंकि उसके ऊपर जाली टाइप का कुछ लगा होता है, तो उससे नोट लगने के चांसेस नहीं रहते हैं, अगर नेक में है भी तो नोट लगने के चांसेस नहीं होते हैं फिर भी। लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए यही समझाया गया कि प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें वीकली, जैसे जैसे तुम्हें डॉक्टर बुलाए वैसे वैसे जाते रहो। और आज ये भी ठीक है, मैं मिलवाती हूँ। और ये ऑयल लगा रखा है, दीदी ने ऑयल लगा दिया। दीदी बोली ऑयल लगा ले। हेमा की मम्मी आई थी क्या?
एक मिनट मिलवाती हूँ मैं। वो पता है आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो और भी लोग ना जितने भी हमसे जुड़े हो यहाँ अभी तक टच हो, सब लोग बहुत केयर कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करने कोमल, ऐसे नहीं करने, टेंशन नहीं लेनी है, बस टेंशन। लेकिन ना पता है क्या होता है कि एक तो फर्स्ट बेबी हो, हम लोग यही चाह रहे थे कि अच्छे से हो जाए सब कुछ, बस टेंशन तो यार हो ही जाती है, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो या कोई कितने भी बेबी हो, बच्चा तो बच्चा होता है, और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो उसको लेकर के तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं वो सब समझा रहे हैं, अभी एक फ्रेंड की भी बेटी हुई है जिसको वो भी ऑपरेशन से हुई है, उनको भी बेबी की जो नेक में वो कॉर्ड थी वो लिपटी हुई थी, एंड टाइम पे उनका ऑपरेशन हुआ था। हाँ चलो मैं इनसे मिलवाती हूँ पैक कैमरे से। जी बताइए कितना ठीक हो आप? नहीं हो? हम तो ठीक है, काम कर रहे हैं काम। तो बात नहीं करोगे, पूछोगे नहीं कैसे हैं सब? हेलो हाय कैसे हो आप लोग, आ जाओ सेलो टेप लगा लो। कहाँ पे काम करवा लो, सेलो टेप लगा लो। बोलो। अभी मुझे टॉपिक नहीं है ना मेरे पास, अब मेरे को मिल जाए तो मुझे कुछ टॉपिक दो लेक्चर देने के लिए। ऐसे बात करनी मेरे को लेडीज के तरह मेरे को बात करनी आती नहीं है, अभी बस बोले जाओ बोले जाओ, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कम मैं बोलता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ मैं। अब लोग औरतों की तरह थोड़ी मैं कचर 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 कचर, अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कचर 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 कर जाओ। और दीदी और तनु गई हैं थोड़ी सी सब्जी लेने के लिए, बस मैं अभी जा ही रही हूँ, मुझे मुश्किल से जितनी देर वीडियो बनाते हुए है ना अभी इतने ही टाइम हुआ है, घर बिल्कुल पास में है तो मैं आ गई थी, और आज बारिश भी हुई है अच्छे से, और कल सुबह फिर डॉक्टर के जाने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप लोग, मतलब इतना सब, कुछ लोग तो ना बहुत बड़े हैं जो मुझसे बेटा बेटा करके इतने प्यारे कमेंट कर रहे हैं ना कि बेटा ये करना है वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, तो वो और भी अच्छा लग रहा है। ठीक है यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन मुझे तो इतना इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि एक कोई अननोन होकर और अपना बनेगा और अपना बन करके इतनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे, जितने भी कमेंट हैं सब में ब्लेसिंग्स हैं, और मैं सबके लिए भी यही प्रे करूंगी कि जिसको नहीं है ना बेबी उनको भी बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी। आयुषी जी को तो खासकर सभी को, एक मिनी दीदी भी आती थी वो पता नहीं उनके वो आजकल आई नहीं रही हैं। और राजवीर जी का कमेंट बहुत अच्छा था, आयुषी जी हैं, राठौड़ मैम हैं, सुमन जी हैं, सुशीला गोयल जी, उनका इतना प्यारा कमेंट था, सब लोग मतलब मैं सभी के नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पर, लेकिन ले नहीं पाऊंगी इतने सारे कमेंट्स हैं। तो आज मैंने एक छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, दीदी आप ठीक हो, दीदी आप ठीक हो, दीदी बता दो, तो इसलिए मैंने कहा छोटी सी वीडियो ही बना देती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, इतनी जल्दी आप लोग साथ में इतनी जल्दी तो वैसी हिम्मत हारने वाले नहीं है, और सबसे बड़ी बात फैमिली जब साथ में होती है तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी जाती है। भाभी मम्मी सब यही समझा रहे हैं, खाना पीना अच्छा करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही और छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगी, और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना भाई? चलो टेक केयर, गुड नाइट बाय बाय।